हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम संगीता। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल बटन को जल्दी से हिट कर दो। तो मेरे चैनल पे ये मेरा पहली फेस आर्ट है, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस में मैं आज दिखाऊंगी ये। तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से बांध लेना है और थोड़ा सा कर्ल करके स्प्रे करके आपको बाल को सेट कर लेना है। मैं यूज़ करूंगी एक प्राइमर और ये एक मॉइस्चराइजर कलेक्शन से है, वेट एंड वाइल्ड का। फेस आर्ट से पहले आपके स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट और मॉइस्चराइजर करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक क्लियर जेल मस्कारा से अपनी आऊंगी ताकि ड्रॉ करने में आसानी हो। फिर एक ब्रॉ पोमेट लेके अपनी आईब्रोज को अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी, एक छोड़ूंगी और दूसरी तरफ अपनी आईब्रोज को थोड़ा ज़्यादा ब्लैक करूंगी, क्योंकि काली का जो रूप होगा वो ब्लैक में होगा फेस, तो उसको आईब्रो को थोड़ा अच्छे से ब्लैक में रखना ज़रूरी है। तो अभी मैं अपनी आईब्रोज को क्लियर कर लूंगी एक कंसीलर से। देन आई विल टेक अ वाइट कोल पेंसिल एंड उससे मैं अपने फेस को हाफ ऑफ करके सेपरेट कर लूँगी, ताकि एक तरफ पार्वती का रूप एक तरफ काली का रूप करने में आसानी हो। का एक कॉन्टोर स्टिक लेके अपने फेस को कॉन्टोर कर लूंगी। ये कॉन्टोर होगा फाउंडेशन के अपने नीचे का लुक नेचुरल लगना चाहिए और इससे आपका फेस जो है फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लगेगा और आपका फेस बिल्कुल ही नेचुरल लगेगा। तो अपने फेस को हाफ साइड में मैं कॉन्टोर कर लूंगी और एक ब्रश के हेल्प से कॉन्टोर का कलर को ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। Then I will use Maybelline 24 hour foundation in the shade golden and natural beige। दोनों को मिक्स्ड करके मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। जब मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ आप देख सकते हो मेरा फेस कितना नेचुरल दिख रहा है, पर कॉन्टोर भी वहाँ मौजूद है। वेट एंड वाइल्ड का मीडियम टाउनी जो शेड है उसको मैं अपने हाईलाइट एरिया में हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी, जो जिस साइड मैंने पार्वती का लुक करना है उस साइड पे। देन एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी एंड थोड़ा सा लूज पाउडर लेके अपने सारे कंसीलर को सेट कर लूँगी। मूविंग टू माई आई मेकअप एंड आज मैं ये कलर यूज़ करूँगी अपने क्रीज पर। क्रीज को मैं आज एकदम पार्वती के तरफ जो है कि क्रीज को मैं एकदम नेचुरल जैसा छोड़ूंगी लुक। तो अच्छे से पहले एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से क्रीज को ड्रॉ कर लूँगी, फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके उस क्रीज कलर को अच्छे से अपनी आईलिड पे ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो नेचुरल दिखे। शेड को अपने जो लैश लाइन है वहां पे अप्लाई करूंगी लाइनर के तरह। क्रीज कलर को एक ब्लेंडिंग ब्रश पे लेके उस ब्राउन कलर के साथ अच्छे से आईलिड पे ब्लेंड कर दूंगी। फिर काली का जो साइड है उस पे हम ये मेरून एंड रेड कलर को एक साथ लेके अपने क्रीज कलर में उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से। आप स्मॉल भी ले सकते हो, ब्लेंडिंग ले सकते हो, क्योंकि पूरा लीड आपका वहाँ रेड ही होगा। Then I will apply a gel liner on my lash line. You can use any gel liner on your lash line. Then एक blending brush के help से वो जो gel liner आपने apply किया है वो अच्छे से blend कर लेना है आपके red color का eye shadow के साथ।
देन आप कोई भी फाउंडेशन लो एंड उसके साथ थोड़ा सा काजल लेके मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। पर आप पहले भी फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर कोई भी, बहुत सारे स्टिक काजल अवेलेबल होता है इन द मार्केट, जैसे हिमालया, जैसे लोटस का होता है, आप कोई भी काजल अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो ब्लैक कलर के लिए। सेम वे पे आप अपने फिंगर के हेल्प से अपने नेक पे भी वो कलर अप्लाई कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा जो फेस आर्ट है वो हाफ हाफ ही होगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो आपके फिंगर को भी आपको यूज़ कर लेना है। फिर एक ब्लैक कलर का आई शेडो लेंगे एक बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से, उस कलर को मैं अपनी जो ब्लैक काजल यूज़ किया है इस तरफ वहाँ पे मैं अच्छे से डैब डैब मोशन पे वो अप्लाई करूँगी वो ब्लैक कलर का आई शेडो, ताकि वो परफेक्ट एक ब्लैक जो है फाउंडेशन का लुक आए। अगर आपके पास बॉडी पेंट है ब्लैक तो बहुत ईजी होगा आपको ये लुक करने में एक छोटी से ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से, जहाँ जहाँ मेरा बड़ा ब्रश नहीं पहुँच सकता वहाँ पे मैं ये अप्लाई कर लूँगी। देन रेड कलर का आई शेडो लेके जहाँ आपका बचा था आँखें वहाँ पे भी आप रेड कलर के आई शेडो यूज़ कर लो। फिर पार्वती के लुक में आपको हल्के से एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है लैश लाइन पे, बहुत ही पतला वाला एक विंग ड्रॉ कर लेना है जेल लाइनर के हेल्प से, कोई भी जेल लाइनर आप यूज़ कर सकते हो। और लोअर लैश लाइन पे आप कोई भी हल्का वाला कलर यूज़ कर सकते हो। फिर व्हाइट काजल लेके मैं अपनी दोनों आंखों के वाटर लाइन पे वो अप्लाई कर लूंगी। फिर कर माई आई लैशेस एंड यूजिंग सम कोट ऑफ मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन। एंड कोई भी मेकअप फिक्सर के हेल्प से आप आपको सेट कर लीजिए। पार्वती के लुक की तरफ मैं एक ब्लशर यूज़ करूँगी, ये है वेट एंड वाइल्ड का मेलो वाइन कलर, बहुत ही नेचुरल लुक देता है। फिर मैं यूज़ करूँगी थोड़ा फॉल्सीस। फिर दोनों हाफ को एकदम प्रोमिनेंट करने के लिए मैं अपनी एक ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा कॉन्सीलर यूज़ कर लूँगी एंड अच्छे से हल्के मोशन पर ब्लेंड कर लूँगी। यूजिंग सम हाईलाइटर ऑन माई चीक बोन्स, अपनी आई इनर कॉर्नर पे भी यूज़ करूँगी एंड ब्रो बोन पे भी। अगर आप चाहते हो तो एक काली के साइड पे भी आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। फिर एक रेड बिंदी अप्लाई करूँगी एंड एक कोई भी रेड बुलेट लिपस्टिक के हेल्प से आप ये जो होता है ना काली के पिक्चर पे रेड वाला निशान वो आप ड्रॉ कर सकते हो लिपस्टिक के मदद से, या फिर पेन भी, फिर आप जो है फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। देन आई विल ड्रॉ थर्ड आई ऑफ काली और दुर्गा, उसको मैं ड्रॉ करने के लिए फिर से फेब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ व्हाइट एंड ब्लैक वाला। फिर जितने सारे जो फेस में है जो डिज़ाइन है दुर्गा की तरफ काली की तरफ उसको ड्रॉ करने के लिए मैं एक ब्रश जो कैमल का है 0 नंबर एंड यूजिंग सम फैब्रिक कलर व्हाइट कलर ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बंगाली में चंदन ड्रॉ करने के लिए हम फैब्रिक कलर ही यूज़ करते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फेस में, आप कर सकते हो फेस पे ये फैब्रिक कलर और ये पिल हो जाता है आपके, इजीली निकल भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके फेस पे। मैंने अपनी आईज़ पे पैक का ग्रे वाला कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया है, ये बहुत ही नेचुरल दिखता है, आप नॉर्मल भी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है आपके आईज़। महाकाली के फेस के साइड पे आंखों के जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसको भी मैं फैब्रिक कलर से ड्रॉ कर लूँगी।
अगर मैं सच बोलूँ तो अपने आँखों पे कॉन्टैक्ट लेंस पहन के मिरर देख के अपने चेहरे पे ये ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे ये फेस आर्ट करने में 4 घंटे से भी ऊपर टाइम लगा है, वो भी मैं खड़े होके बनाई, बैठी भी नहीं एक बार भी। तो ये बहुत मुश्किल है, फिर भी आप कर सकते हो। इसलिए मैं नॉर्मल वे पे दिखा रही हूँ क्योंकि सबके पास ऐसे फेस पेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो आपके पास जो है उससे भी आप फेस आर्ट कर सकते हो, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए शूट किया है। लिपस्टिक के लिए मैं एक तरफ रेड वाला एक तरफ पिंक वाला यूज़ करूँगी। आप कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आज का फाइनल लुक। एक तरफ मैंने साड़ी पहनी हुई है ऑरेंज कलर का, और ब्लैक जो स्किनी होते हैं वो पहनी हुई है उसके नीचे। तो आप ये कभी भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ये क्रिएट कर रहे हो तो मुझे अपने सोशल मीडिया में टैग करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सो कमेंट योर वैल्यूएबल कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मुझे अपने सोशल अकाउंट के थ्रू मुझे फॉलो कीजिए, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं हूँ। ऑल लिंक्स आर गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल सो मच, मीट यू अगेन ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।